नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने घरों पर सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं की भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत भाग 1 में संकलित अध्याय 3, जिसका शीर्षक है अपवाह। बच्चों, इस अध्याय पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमारी एक वीडियो हिमालय की नदियों के बारे में आपको पहले ही मिल चुकी होगी। अब हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत एक बहुत ही पुराना और पठारी क्षेत्र है। यहाँ की नदियाँ और हिमालय की नदियों में बिल्कुल विपरीत अंतर है। जिस प्रकार से हिमालय की नदियों का नदी तंत्र बहुत बड़ा है, बारहमासी है, उसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह या नदी तंत्र बहुत ही छोटा और उथला है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपने अध्याय का शेष भाग, जिसमें हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों के साथ साथ झीलों, नदी के प्रदूषण, नदी का आर्थिक महत्व तथा अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमें पहले से ही ज्ञात है कि हमें किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को पढ़ने से पहले वहाँ पर उसकी ढाल व जल विभाजक का पता होना अति आवश्यक है। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत के भौतिक मानचित्र पर दृष्टि दौड़ाएं, तो हमें यहाँ पर दो मुख्य जल विभाजक, विंध्याचल पर्वत और पश्चिम में पश्चिमी घाट, इस भाग का ढाल निर्धारित करते हैं। यदि आप इस पर दृष्टि दौड़ाएं, तो आपको इस क्षेत्र का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ निम्न होता नजर आएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर शून्य होता है। तो बच्चों, इस हिसाब से इस क्षेत्र की नदियों को भी हम वर्गीकरण की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ तथा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में मुख्य तौर पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी मुख्य रूप से हैं। तो चलिए हम इनका एक एक करके अवलोकन करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पहले हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का अवलोकन करेंगे। पहली नदी नर्मदा नदी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। बच्चों, चित्र में आप भ्रंश घाटी देख सकते हैं। यह घाटी विवर्तन हलचल के कारण होने वाले भ्रंशन के कारण बनती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती हुई झरनों का निर्माण करती है। उनमें से एक बड़ा ही सुंदर धुआंधार प्रपात झरना जिसका निर्माण यह करती है। नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में आकर मिलती हैं। नर्मदा की द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। बच्चों, क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी आप दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में दूसरी मुख्य नदी तापी है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसका अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। तो बच्चों, यदि हम इस क्षेत्र के मानचित्र को देखें, तो हम पाते हैं
कि अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, पूजा तथा परियार हैं। इन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों को देखें। इनमें सबसे पहली नदी महानदी है, जो छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस पर हीराकुंड बांध, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, वो बनाया गया है। इसके बाद दूसरी मुख्य नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह अंतर सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका 50% भाग केवल महाराष्ट्र में ही है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी नदी बच्चों, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। बच्चों, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। बच्चों, आओ अब हम झीलों के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें ना हों, तब क्या वे उतने आकर्षित होंगे जितना कि वो आज लगते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए झीलों का कितना महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार व अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण
वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है और यह हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। तो बच्चों, आइए अब हम नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है इसकी जानकारी हासिल करते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का मुख्य स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP की अधिक जानकारी के लिए बच्चों यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें। आइए प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ अभ्यास करें। दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क राजस्थान,
ख पंजाब, ग उत्तर प्रदेश, घ जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है घ जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? क सतपुड़ा, ख अमरकंटक, ग ब्रह्मगिरी, घ पश्चिमी घाट के ढाल। इसका सही उत्तर है ख अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? क सांभर, ख वूलर, ग डल, घ गोविंद सागर। बच्चों, जैसा कि हमने पर पढ़ा कि वूलर, डल, गोविंद सागर ये ताजे पानी की झीलें हैं, तो इसका सही उत्तर क सांभर है, जो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? क नर्मदा, ख गोदावरी, ग कृष्णा, घ महानदी। जैसा कि हमने पढ़ा कि गोदावरी नदी तंत्र दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो इसका उत्तर है ख गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क महानदी, ख कृष्णा, ग तुंगभद्रा, घ तापी। इसका सही उत्तर घ तापी है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न, जल विभाजक का क्या कार्य है? बच्चों, चित्र में आप देख सकते हैं कि यह एक उच्च उठा हुआ भूमि का भाग है जो दो अपवाह तंत्रों को अलग करता है। दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? बच्चों, इस चित्र में गंगा नदी का अपवाह तंत्र दिखाया गया है और यह सबसे विशाल नदी द्रोणी है। तीसरा प्रश्न, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती हैं? सिंधु नदी का स्रोत मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, जबकि गंगा उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अगला प्रश्न, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहां पर आकर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? बच्चों, यह चित्र देवप्रयाग का है, आप पहले भी इसे अध्याय में देख चुके हैं। इसमें जो दो धाराएं नजर आ रही हैं वो अलकनंदा और भागीरथी हैं। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी में कम सिल्ट क्यों होती है? बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि तिब्बत हिमालय के उत्तर में स्थित है और यह वह क्षेत्र है जो वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, जिस कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है और इसी कारण यहाँ सिल्ट की मात्रा भी कम है। अगला प्रश्न, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी, जो गर्त से होकर यानी भ्रंश घाटी में बहती हैं तथा ये समुद्र में जाने से पहले गौर्ज और ज्वारनद मुख आकृतियों का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों और झीलों में उपलब्ध पानी की मात्रा हमें सिंचाई, उद्योग, बिजली व पर्यटन जैसी आर्थिक क्रियाओं में बहुत सहायता करती है। बच्चों, यहाँ भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, आप इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए और बाद में इन्हें भारत के राजनीतिक मानचित्र पर अंकित करिए। क वूलर, ख डल, ग नैनीताल, घ भीमताल, ण गोविंद सागर, च लोकताक,
छ बारा पानी, ज चिल्का, झ सांभर, य राणा प्रताप सागर, ट निजाम सागर, ठ पुलिकट, ण नागा अर्जुन सागर व अण हीराकुंड। तो यहाँ पर वर्गीकरण के लिए हम दो श्रेणियाँ प्राकृतिक तथा मानव निर्मित बनाते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वूलर एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और जो कि बांदीपुरा जिला कश्मीर में है। यह एक प्राकृतिक झील है तो इसे हम प्राकृतिक श्रेणी में रखेंगे। ख डल, यह श्रीनगर कश्मीर में स्थित है, यह भी एक प्राकृतिक झील है, इसे भी हम प्राकृतिक श्रेणी में रखेंगे। ग नैनीताल, बच्चों कुमाऊं नैनीताल उत्तराखंड में स्थित यह झील भी प्राकृतिक है। घ भीमताल, उत्तराखंड की भीमताल झील एक प्राकृतिक झील है, इसे भी प्राकृतिक श्रेणी में रखेंगे। ण गोविंद सागर, बच्चों सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है जिसके कारण उस नदी के पीछे अपने आप एक झील निर्मित हो गई है जिसका नाम गोविंद सागर है। अतः यह मानव निर्मित झील है, इसीलिए इसको हम मानव निर्मित श्रेणी में रखेंगे। च लोकताक, मणिपुर की यह झील बहुत सुंदर है और यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, अतः इसे प्राकृतिक श्रेणी में रखिए। छ बारा पानी, बच्चों मेघालय की यह झील प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इसे भी हम प्राकृतिक श्रेणी में रखेंगे। ज चिल्का, उड़ीसा में लैगून से निर्मित यह झील प्राकृतिक रूप से बनी है, अतः हम इसे प्राकृतिक श्रेणी में रखेंगे। झ सांभर, राजस्थान की यह खारे पानी की झील जिससे नमक बनाया जाता है वायु अपरदन के कारण बनी है और यह प्राकृतिक रूप से बनी है, तो हम इसे भी प्राकृतिक श्रेणी में रखेंगे। य राणा प्रताप सागर, हिमाचल में ब्यास नदी पर बनी पोंग बांध के कारण यह झील मानव निर्मित झील है, अतः इसे मानव निर्मित श्रेणी में रखेंगे। ट निजाम सागर, बच्चों तेलंगाना में स्थित यह मानव निर्मित झील है, इसे मानव निर्मित श्रेणी में रखिए। ठ पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं के पास पूर्वी तटीय मैदान पर चिल्का झील की तरह ही यह भी लैगून निर्मित झील है, यह प्राकृतिक रूप से बनी है, अतः इसे प्राकृतिक श्रेणी में रखेंगे। नागार्जुन सागर, तेलंगाना में यह मानव निर्मित झील, इसे भी हम मानव निर्मित श्रेणी में रखेंगे। अंत में हीराकुंड, हीराकुंड महानदी उड़ीसा पर बना हुआ एक बहुत बड़ा बांध है और यह मानव निर्मित है, अतः इसे हम मानव निर्मित श्रेणी में रखेंगे। तो बच्चों, अब इन सभी झीलों को आप यहाँ पर भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो में आपने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उनके अपवाह तंत्र और झीलों, नदी प्रदूषणों और नदी के महत्व, आर्थिक महत्व के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।